हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल एंड न्यूज़ 48 एक्सप्रेस में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं, और उससे पहले बताना चाहता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर फ्री नोट्स, डेली करंट अफेयर्स और वहाँ पर फ्री स्टडी कराई जाएगी। तो साथियों, जो अभी अपडेट है, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लगभग 17,000 जो पोस्ट थी उनके लिए, जो डी ट्रिपल एस भी है उनके चेयरपर्सन को लेटर लिखा था, और उसमें हमारे जो स्पेशल वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए भी लेटर लिखा था। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने और एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने उस चीज़ को माना। तो सबसे पहले मैं अशोक अग्रवाल सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी करता हूँ। तो अभी न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आई हैं वो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये चीज़ें शायद गलत हो सकती हैं जो हम लोगों ने बताई हैं। तो अभी न्यूज़पेपर में जो आया है, न्यूज़पेपर में आया है कि DSSSB को चेतावनी दी है एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने। जैसा हमने कल आपको बताया था, उन्होंने कहा है कि या तो आप वैकेंसीज निकाल दीजिए या हम कोर्ट में जाएंगे, और इतना सब होने के बाद, इतना कोर्ट का डायरेक्शन मिलने के बाद, ऑर्डर मिलने के बावजूद भी आपने ना तो वहां पे जवाब दिया कि कब तक आप ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, आपने कुछ नहीं बताया। बस ये बताया कि मार्च तक आप ये काम कर लेंगे, और आपने कोई वहां पे अपडेट नहीं दिया। आप या तो वैकेंसीज निकाल दीजिए, आप जो भी आपकी प्रक्रिया है वो पूरी कर लीजिए। और इस चीज को देखते हुए जो ये चीजें अब की बार हो रही हैं, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है, बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता कि DSSSB के चेयरपर्सन को उन्होंने डायरेक्टली चेतावनी दी है। वो बड़े प्यार से काम करते हैं, लेकिन बच्चों का दुख देख के हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आप लोग हमारे साथ हैं, बार बार ये चीजें जा रही। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल का जो ये आप नेचर देख रहे हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि जो ये चीजें DSSSB कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। तो उन्होंने सीधे DSSSB चेयरपर्सन को लेटर लिखा है और उनको ही वार्निंग दी है कि आप वैकेंसीज निकाल दीजिए, नहीं हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम देखा होगा आपने कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर इतने गर्म उसमें आते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो सर ने दिखाया कि हाँ ये गलत है और हम इसका साथ नहीं देंगे, हम इसका अपोज करेंगे और वैकेंसीज के लिए हम लड़ेंगे। तो साथियों, ये न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है आपने देखी होंगी, तो यही सब मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का भी लिंक है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपकी मंजिल आपके पास है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे।